नमस्कार दोस्तों, संदेश करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग के पिछले वीडियो में साधारण ब्याज के प्रश्नों को किया था, और जो साधारण ब्याज का प्रश्न हमने दो पार्ट में पढ़ा चुका, आज हमारा क्या साधारण ब्याज का तीसरा पार्ट है। और आज भी हम लोग क्या कर अच्छे अच्छे प्रश्नों को ही लेकर आए। आज आपको क्या करना है, पूरे वीडियो को देखेंगे तभी तो जाकर आपको फ़ायदा होगा। एक छोटी सी है कि मैं ये देख करके बता रहा हूँ कि भाई आप लोग ज़्यादा समय तक नहीं देख रहे हैं वीडियो, ठीक है। जब तक आप क्या करें पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक बार आप क्या करिए, पूरा वीडियो तो देखिए, पूरे क्वेश्चनों को तो देखिए, तभी जाके आपको फ़ायदा हो सकता है। अब एक मिनट, दो मिनट, चार मिनट देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, दस मिनट देखने से कोई फ़ायदा नहीं होना। यदि आपका 40 मिनट का वीडियो है तो 40 मिनट आप समय दीजिए। आप सच में तैयारी करना चाहते हैं उस पर समय दीजिए। और टेक्निक की बात है, टेक्निक में कोई कमी नहीं है। एक बार उसको सीखने की क्या करिए, कोशिश करिए, ठीक है। जो मेरा मानना है, जो मेरा अनुभव है, उस अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ। आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, ट्रिक ऑटोमेटिक झक मार के आ जाएगी, बात समझे ना। तो इसलिए और आगे हम ज़्यादा समय लेकर न चलें, और आपका क्या होगा, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से प्रति माह 1200 रुपये कमाने के लिए धीरज को कितनी रकम की आवश्यकता होगी, ठीक। एक छोटी सी बात है, हमने मैं कमेंट आया था कि ऑप्शन लिखना। देखिए ऑप्शन भी दे दी जाए कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। तो हमें क्या होगा, जहां ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी हम वहां ऑप्शन का दे देंगे, बाकी जैसे आपका प्रश्न है उस प्रश्नों को क्या किया ध्यान दिया जाए, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन में। कह रहा था कि यदि एक मुझे 15% वार्षिक दर से प्रतिमा 1200 रुपये कमाना होगा तो मुझे कितनी रकम देनी पड़ेगी। तो अब ये बताइए, यदि एक साल में कितना परसेंट है, 15% है, एक माह में मुझे चाहिए था तो 15 बटे क्या करना पड़ेगा, 12 करना पड़ेगा। यही परसेंट किसके बराबर है, एक साल का ब्याज किसके बराबर है, 1200 रुपये के बराबर है, ठीक। तो अब देखिए, यदि 15 से इसको काटे तो 15 बटे 120, तो 1% बराबर क्या, 12 बटे 96 907 हो जाएगा, ठीक। तो 100% बराबर कितने को हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 960000 हो जाएगा, बात समझ। तो कुल मिला कितना हो जाएगा, 96000 हो जाएगा। यानी बहुत सिंपल था कि यदि एक माह में आपको 1200 रुपये कमाना है तो एक साल में आप 15% दे रहे थे, तो आपको एक माह लेना होगा तो क्या 15 बटे 12 करेंगे। अच्छा, 15 बटे 12 करेंगे तो हमारा एक माह का परसेंटेज निकल के आ गया ब्याज। मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज हमेशा क्या होगा, बराबर होता है, वो मूलधन पर ही केवल ब्याज देना होता है। इन्हीं कारण से हमने कह दिया कि चलो 15 बटे 12% बराबर इतने के, तो 1% बराबर कितने को हो जाएगा, तो 100% बराबर क्या होगा, कितने को हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे के प्रश्न को फिर देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए ये क्या है कि भाई हम आप लोगों से ज्यादा बातें नहीं करते, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि भाई देखिए जो डाटा है वो बड़ा महंगा मिलता है, बात समझे ना। और आपसे मैं ज्यादा बातें कर लूंगा तो आपका समय भी बर्बाद होगा, इन्हीं कारणों से हम लोग बातें कम करते हैं और काम ज्यादा करते हैं। तो आप काम को ध्यान दीजिए, और ये मत कहिए कि भाई मैं आपसे बातें बहुत ज्यादा करूंगा तो आप क्या करें मोटिवेट हुए। आप काम को देखिए और क्वेश्चनों का पैटर्न समझिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज प्रतिवर्ष 6% की दर से 10 महीने के लिए 400 रुपये हैं, तो मूल राशि का पता लगाइए, मूल राशि का पता लगाइए, ठीक है ना। अब अभी बताइए कि हम साधारण ब्याज दे रहे हैं तो 10 महीने में हम कितना परसेंट ब्याज दे देंगे। यदि एक साल में 6% दे रहे हैं तो एक माह में कितना दे देंगे, 6 बटे 12 हो जाएगा, बात समझे ना। तो अब 10 माह में कितना दे देंगे, इतना हो गया, ये आपका परसेंट हो गया। मैंने साधारण ब्याज में यही बताया था कि 100 रुपया है, यदि 10 रुपया ब्याज आएगा तो 10% कहलाएगा एक साल का। यदि एक माह लेना होगा तो 12 का मुझे क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। पहला चैप्टर अथवा पार्ट आप पढ़ लेंगे, उसमें मैं कॉन्सेप्ट बताया था। तो किसके बराबर हो गया, ये 400 के बराबर हो गया। तो बताइए, तो 6 × 12 2 × 5 = 10, यानी कुल मिला के 5% पर कितना होगा, ये 400 है। तो 1% पर कितना, 5 × 8 = 40 = 80, तो 100% पर हमारा कितना हो जाएगा, ये 8000 हो जाएगा। 100% पर कितना हो जाएगा, ये 8000 हो जाएगा, बात समझ में आ रही,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई इसमें बस आपका क्या होगा, यदि 6% वार्षिक है तो एक माह में कितना होगा, 6/12 करेंगे तो आधा परसेंट मासिक हो जाएगा, तो 10 माह में कितना होगा, आधा गुणे 10 करेंगे तो 5% टोटल ब्याज होगा, और टोटल ब्याज किसके बराबर है, 400 रुपये के, तो 100% पर हमारा कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। बात समझे ना। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कहेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल में 8600 रुपये हो जाएगी, 3 साल में 8600 रुपये हो जाएगी। तो जो आपके पास प्रश्न है तो 18600 रुपये हो जाने का मतलब क्या होगा, कोई धनराशि ब्याज बढ़ते बढ़ते टोटल मिला के 8600 रुपये हो गया, ठीक। तो ये आपका जो 8600 रुपये है ये आपका क्या अमाउंट है, ये क्या है अमाउंट है, अमाउंट में प्रिंसिपल और एसआई दोनों होता है, प्रिंसिपल और एसआई दोनों होता है, इतनी बात समझ में। तो अब ये बताइए यदि 8% के हिसाब से 3 साल की बात बोला तो 8 तरीके क्या होगा, 24% ब्याज मिलेगा, ठीक। अब जब बताओ 24% ब्याज मिलेगा तो मिश्रधन कितना होगा, 124% होगा कि नहीं, और जो किसके बराबर होगा, 18600 के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। तो ऐसा लग रहा है यदि मैं इसको 4 से काटता, या एक काम और कर लेते, थोड़ा सा कैलकुलेशन मुझे ऐसा लगा कि यदि मैं 186 गुणे क्या होगा 100 कर लेता तो 4 से काटता तो 31 होता, और यहाँ 4 से काटता तो 25। अब देखिए 6 कम 36 18, 6 बार में आराम से कट जाएगा, तो 1% 25 छक्का क्या होगा 150, तो 100% पर हमारा कितना हो जाएगा, 15000 हो जाएगा, 100% पर कितना हो जाएगा, ये 15000 हो जाएगा। बात समझ में ना। तो ये कैलकुलेशन आसान है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। आज हम लोग जो भी बातें करेंगे, आज पूरा समय तक हम लोग केवल मूलधन निकालेंगे, आज हम पूरा समय तक जो भी समय देंगे हम सब में क्या करेंगे, केवल मूलधन का ही जिक्र करेंगे। बात समझ में ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है, क्योंकि देखिए साधारण ब्याज हमेशा क्या होता है, मूलधन पर देता है, इन्हीं कारणों से साधारण ब्याज हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। साधारण ब्याज इन्हीं कारणों से बराबर होता है, तो इसलिए जब साधारण ब्याज बराबर होगा तो हर साल आप यदि जोड़ेंगे तो जोड़ जोड़ करके क्या होगा, कितना हो जाएगा, वो टोटल साधारण ब्याज हो जाएगा, मिश्रधन की बात करेगा तो मूलधन को जोड़ करके अपना निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन, ब्याज की दर 13% से घटकर 12.5% प्रतिवर्ष हो जाने से किसी साहूकार की वार्षिक आय 104 रुपये कम हो जाती है तो मूलधन क्या होगा, 104 रुपये कम हो जाती है तो मूलधन क्या होगा। अब ये बताइए वार्षिक आय की बात कर रहा है, तो जहां एक साल में 13% देता था आज वही साल में 12.5% दे रहा, तो बताइए ये कितना अंतर हो रहा है, 0.5% का हो रहा है, 0.5% को हो रहा है, जो किसके बराबर, 104 के बराबर, 0.5 मतलब आधा परसेंट बराबर 104 के, तो 1% बराबर कितने को होगा, 208 के, तो बताओ 100% बराबर कितने को होगा, 208000। मैंने आपसे हमेशा बताया मूलधन हमेशा क्या होगा, ब्याज प्लस और आपका क्या होगा, सॉरी मूलधन निकालना है तो हमेशा क्या होगा, 100% पर बात करेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है आज का क्लास, बहुत आसान है, बस आप क्या कर सीखते जाइए और एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न मिलते जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और ये जो क्वेश्चनों का कलेक्शन हो रहा है आपके हर एग्जाम को ध्यान में रखा जा रहा है, सिपाही का भी पेपर हो तो उससे भी क्वेश्चनों को मैंने उठाया है, आपके जेल वार्डन वगैरह हो या जो भी आपके टाइप अथवा टाइप का कोई भी एग्जाम हो, हर क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए, हर पेपर को ध्यान में रखते हुए ऐसे आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है, उससे रिलेटिव क्वेश्चनों को भी कराया जा रहा है, जिससे कि आप क्या करें आसानी से उस चीज़ को क्या करें सीखते जाए और आप क्या करें एग्जाम में जाकर अच्छे परफॉर्मेंस करें, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, एक निश्चित राशि को 10% प्रतिवर्ष पर 4 वर्ष के साधारण ब्याज पर निवेश किया गया,
अगर 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 400 रुपये का अंतर हो तो मूलधन राशि कितनी होगी। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न भी है। मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज हमेशा क्या होगा, हर साल बराबर लगता है। साधारण ब्याज हर साल क्या होता है, बराबर लगता है। और यदि मान लेते हैं उनके सालों में बीच में यदि आपका जो डिफरेंट होगा ब्याजों में भी जो डिफरेंट आएगा वो उनके क्या होगा, ब्याज परसेंटेज का डिफरेंट होगा। बात समझे ना। अभी बताइए यदि मान लेते हैं कि 10% के हिसाब से 4 साल का ब्याज कितना होगा, 40%। 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना होगा, 20%। और इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो कितने हैं, 20% का ही ना। क्वेश्चन में क्या कर रहा था, इन दोनों के बीच में जो अंतर करना है, ऐसे निखिल इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने के बराबर है, 400 के बराबर है। कितने के बराबर है, 400 के। 10% के हिसाब से 4 साल का ब्याज 40%, और 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज आपका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20%। और यहाँ कितना होगा, 40%। तो उन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 400 के। तो यहाँ 20% पर कितना अंतर हो रहा है, 400 के। तो 1% पर हमारा कितना होगा, 20 के। तो 100% पर हमारा कितना हो जाएगा, 2000 के हो जाएगा। 100% में कितना हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा। बात समझे ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी समस्या होती किसी प्रश्नों को तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, उन प्रश्नों का हम डिस्कस कर लेंगे। या हमारा नंबर है 9616-6376, उस पर आप क्या करें, व्हाट्सअप करके अपने प्रॉब्लम को क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। मेरा नंबर है 9616-6376, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप क्या करिए, व्हाट्सअप करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा प्रश्न में क्या है, किसी निश्चित धन पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज, उसी रकम को 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के अंत में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपये है तो मूलधन राशि कितनी होगी। यहाँ भी वही बात है भाई कि आप ये देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखा जाए कि जो हमारे पास पहला है रेट, ठीक है, जो पहला रेट है वो 4% है, कितने पर है, 4 साल के। तो 4 × 6 कितना हो जाएगा, 16% ब्याज हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 5%, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। 5 तय क्या होगा, 15%। दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो कितने, 80 के होगा। तो 1% पर कितना हो जाएगा, 80 के, देख रहे हैं ना, 16 में 15 घटा 1%, तो 100% पर हमारा कितना हो जाएगा, ये 8000 हो जाएगा। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको यदि मैं सूत्र पर लगाऊंगा तब बेफिजूल का आपका समय जाएगा और मिलेगा वही जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहा, बात समझे ना। तो इसलिए आप उस पर एकदम ध्यान मत दीजिए, बाकी आगे के क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे लगाते चलते हैं और हम क्या करेंगे, सीखें, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ भाई, ठीक है। क्योंकि आप जब सीख जाएंगे तो हर टाइप के क्वेश्चन आसानी से लगाते जाएंगे, इन्हीं कारणों से मैं आपको क्या होगा, टाइप टू टाइप क्वेश्चनों कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बस अब ना टाइप टू टाइप क्वेश्चनों को कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन, एक धन राशि को 2 वर्षों के लिए एक नियत दर से साधारण ब्याज पर लगाया गया है, यदि 1% ज़्यादा ब्याज दर से ब्याज पर लगाया जाता तो इस पर 240 रुपये अधिक ब्याज मिलते तो मूलधन राशि कितनी होगी, ठीक है, मूलधन राशि कितनी होगी, ठीक। तो आइए देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यदि हम हर साल 1% बढ़ाएं, साधारण ब्याज में बराबर स्थिति में चलती है, तो इसलिए हर साल यदि 1% बढ़ाए तो 2 साल में कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा ना। तो 1% यदि बढ़ाते हैं तो 2 साल में कितना हो जाएगा, ये 2% बढ़ जाएगा, जो किसके बराबर, 240 रुपये बराबर है, रुपये में 240, अब परसेंटेज हमारा कितना होगा, 2%। तो 1% पर हमारा कितना होगा, 12×2=24, 120, तो 100% पर हमारा कितना हो जाएगा, ये 12000 हो जाएगा। 100% पर आपका कितना होगा, 12000 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। देखिए कितना समय लग रहा है, मैं बता रहा हूँ कि यदि आ गया तो मान के चलो कि 2 से 5 सेकंड पे तो आराम से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है, ठीक, आगे का प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन,
एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर से निवेश की जाती है। यदि दर 5% प्रतिवर्ष कम कर देने पर ब्याज 1850 रुपये कम मिलता है तो मूल धनराशि कितनी होगी। ठीक है ना भाई, देखिए वैसे ही है, फिर यहाँ पर हैं, यदि हर साल यदि 4-5% कम होगा तो 4 साल में कितना परसेंट कम हो जाएगा, 20% कम हो जाएगा। 5×20 ना, हर साल 5-5% होगा, तो मैं 5×20 क्यों कर रहा हूँ भाई, इसमें 5 साल कम 5% कम होगा, अगले साल में 5%, तीसरे में 5%, चौथे में 5%, 5, 5, 5, 4 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20% आया। वो जो 20% हो किसके बराबर है, कितने के बराबर, 1850 रुपये के बराबर है। तो 1% बराबर कितने, 1 0 से 0 कैंसिल, 2 9 18 होगा, 2 2 4 2 5 10 के, तो 100% पर हमारा कितना हो जाएगा, 9200 क्या होगा, 50 हो जाएगा। 100 को गुणा कर लेंगे ना, जब 100 को गुणा कर लेंगे तो आपका क्या होगा, 2.5 इधर आपका क्या होगा, 2 इधर का सच जाएगा, तो इस तरीके से 9200 क्या होगा, 50 रुपये हो जाएगा। बात समझे ना, तो आशा करता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ और प्रश्नों पर हम लोग विचार करते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिएगा, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 800 रुपये साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 920 रुपये हो जाएगी, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो यह धन कितना हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, रेट हमारे पास पहले कितना था ये हमें नहीं पता है, पहले कितना था ये हमें नहीं पता है, तो अब यदि मैं उसको रेट पता करूं, इसके बाद मैं 3% उसमें जोड़ूं, और जोड़ करके फिर हमें क्या करना हो, ब्याज निकालना पड़ेगा, ब्याज निकालने के बाद मिश्रधन को निकालना है, तो मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ करके मिश्रधन निकालेंगे। बात समझे ना, तो यह काम बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा और ज़्यादा समय लग जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले रेट निकाला, फिर रेट निकालने के बाद नया रेट तैयार करना, इसके बाद ये बातें करना, ठीक है। आइए हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कि कॉन्सेप्ट में क्या था कि हर साल जो ब्याज होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। जब हर साल बराबर होगा, यदि यदि अथवा ब्याज में बढ़ोतरी हो रही तो समान बढ़ोतरी होगी और समान घटोतरी होगी। यदि समान घट रहा है तो ब्याज दर समान घटेगा तो ब्याज भी घटेगा, दर बढ़ेगा तो हमारा ब्याज भी बढ़ेगा। बात समझ, अभी बताओ यदि हर साल 3-3% हमारा दर बढ़ रहा है तो 3 साल में 9% दर बढ़ेगा कि नहीं, बताओ। जब 3 साल में यदि 9% दर बढ़ेगा तो इसका मतलब 9% हमारा ब्याज भी बढ़ जाएगा। अब जब 9% हमारे पास ब्याज बढ़ जाएगा तो बताइए कि 800 रुपये था, यदि हम 9% यदि एक्स्ट्रा ब्याज देने लगे तो 9×8 72 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा कि नहीं, अतिरिक्त ब्याज आप कितना देंगे, 72 रुपये। जब अतिरिक्त ब्याज 72 रुपये देंगे तो बताइए हमारे पास कितना पैसा बन गया था, पैसा कितना था हमारे पास, 920 रुपये था पहले, अब कितना हो गया, 72 रुपये और बढ़ जाएगा, तो 920 अब प्लस 72 तो 900 कितना हो जाएगा, 92 रुपये हो जाएगा। तो अब हमारा धन कितना हो जाएगा, 992 रुपये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यदि हर साल यदि 3-3% बढ़ा, हर साल जब 3% बढ़ा तो 3×3=9% बढ़ जाएगा, यानी हम मुझे अतिरिक्त ब्याज कितना देना पड़ेगा, 9% किस पर देना होगा, 8,800 पर, 800×9% कितना होगा, 72 रुपया। अब आप पहले कितना देते थे, 920 रुपया, अब 72 रुपया बढ़ा के देंगे तो कितना होगा, 992 रुपया। आया बात समझ, एकदम सिंपल था, रेट वगैरह निकालने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि साधारण ब्याज में आपका क्या, कोई भी धन अपना क्या होगा, मूलधन पर भी ब्याज मिलता है, और ब्याज आपका क्या यदि बढ़ रहा है तो मूल ब्याज तुम्हारे दर बढ़ रहा है तो ब्याज भी हमारा क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। बात समझे ना, तो आगे के प्रश्नों को हम लोग फिर देखते हैं, और यदि नहीं समझ में आता ऐसे समझो ना कि यदि मान लेता हूं कि मैं आपको उधार दिया था 800 रुपया, आप मुझे 920 रुपया लेकर आए और मैं बेमानी करने लगा, कहा कि नहीं हम हर साल 3% एक्स्ट्रा लेंगे, तो कहेंगे अरे यार 3% एक्स्ट्रा लेंगे तो 3 साल में 3×9% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो 800×9% कितना होगा, 72 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना होगा, तो आप कहेंगे कि ये लीजिए 920 रुपये और फिर 72 रुपये और पॉकेट से निकाल के देंगे, तो कुल मिला के 992 रुपये आपका क्या होगा, मिश्रधन तैयार हो जाएगा। बात समझे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिएगा अगला प्रश्न हमारा क्या है।
अच्छा लग रहा होगा यार, क्योंकि भाई आपको आपके हिसाब से ही क्वेश्चनों को क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन। 1560 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष 3 माह में 2004 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% प्रतिवर्ष बढ़ा दी जाए तो वह धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी? भाई देखिए, वो भी उसी तरीके से हम लगाएंगे। पहले तो ये देखें कि हमारा बढ़ा कितना। हर साल यदि मैं 4% बढ़ा रहा हूँ तो 5 वर्ष 3 माह में कितना बढ़ जाएगा? हर साल यदि मैं 4% बढ़ा रहा हूँ तो 5 वर्ष 3 माह में कितना हो जाएगा? तो बताइए, 5 वर्ष है और 3 माह है, 3 माह है, तो इस तरीके से 5 वर्ष और प्लस 3 माह, 3/12 कर लेंगे तो 1/4 वर्ष हो जाएगा ना, बात समझे ना। तो टोटल हमारे पास पहले वर्ष में बदलते हैं, 4 × 5 = 21/4 वर्ष हो जाएगा। इतनी बात समझे ना कि नहीं? अब 21/4 वर्ष हो जाएगा तो अतिरिक्त ब्याज हमें कितना देना होगा? अतिरिक्त ब्याज हमारा कितना हो जाएगा? तो इस तरीके परसेंटेज में देखें तो 4 × 21/4 तो इस तरीके से आपको 21% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कितना परसेंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 21% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 1560 रुपये का आप 21% पहले निकालेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा। अब 1 × 6 = 6 हो जाएगा, 1 × 5 = 5, 6 × 2 = 12, 5 = 17 के साथ हासिल 1 हो जाएगा। 1 × 5 क्या होगा, सॉरी, 1 × 1 = 1, 5 × 2 = 10, 1 = 11, 11 × 12 = 2 हासिल क्या होगा, 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 1, 3 हो जाएगा। फिर 1 अंक पर दशमलव लगाएगा तो 327 रुपये 60 पैसे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 327 रुपये 60 पैसे। पहले आप समझ में आया कि नहीं? यदि आपको हर साल एक्स्ट्रा देना है 4%, तो 5 वर्ष 3 माह में कितना साल हुआ? 21/4 साल हुआ। और 4% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तो मुझे कितना परसेंट देना पड़ेगा इतने सालों में? 21% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 1560 का मैं 21% निकाला तो कितना होगा, 327 रुपये 60 पैसे हुआ। अब आपसे मैं कह दिया कि बताइए नया धन कितना हो जाएगा, तो हमारे पास धन कितना था, 2004 था ना, तो 2004 में इसमें क्या होगा, 327 रुपये 60 पैसे जोड़ दोगे तो 60 पैसे तो ये हो गया, और 7 × 4 = 11 = 1 होगा, 2 × 1 क्या होगा, 3, और फिर यहाँ 3 और ये कितना होगा, 2, 2331 रुपये 60 पैसे प्राप्त हो जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 2331 रुपये 60 पैसे। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रही है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न और करते हैं इस टाइप के। भाई देखिए, एग्जाम में आए प्रश्नों को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को कराई जा रही है, ठीक है ना। एग्जाम के प्रश्न को भी इसमें कराए जाएंगे और साथ में उस टाइप के क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, कराते रहेंगे, बात समझे ना। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। 10,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 12,500 रुपये हो जाएगी। यदि ब्याज दर प्रतिवर्ष 1.5% कम हो तो वह धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी? ठीक है ना। देखिएगा, यहाँ पर हमने कह दिया कि हर साल 1.5% कम कर रहे हैं, तो बताओ 2 साल में हम कितने परसेंट कम कर देंगे? हर साल 1.5%, तो 2 साल में कितने परसेंट, 3% हम लोग क्या करेंगे, कम कर देंगे। कितना परसेंट कम करेंगे, 3% कम करेंगे। तो इस तरीके से बताइए, 10,000 हमारे पास है, उसका यदि हम 3% निकालते हैं तो 1 रुपये कम होगा, 300 रुपये क्या होगा, कम हो जाएगा। तब कितना देते थे पैसा, 12,500 रुपये देते, तो उसमें 300 रुपये आप कम कर दिए तो कितना हो जाएगा, 12,200 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12,200 रुपये आपका क्या होगा, कम हो जाएगा, 12,200 रुपये कम हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? यदि हर साल यदि 2-2% कम कर रहे हैं, सॉरी 1.5%, तो 2 साल में कितने परसेंट कम होगा, 3%। यदि 10,000 है, 10,000 का 3% निकालते तो कितना हो जाएगा, 300 रुपये, यानी 12,500 देते थे, 300 और कम कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 12,200 हो जाएगा। बात समझ में, एक और प्रश्न करते हैं इस अंतर वाले पर, एक और प्रश्न को करते हैं कि वो प्रश्न कैसा होगा, ठीक है ना, देखते हैं वो प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन है ये,
कि 25,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 29,000 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर 2% बढ़ जाए तो वह धनराशि 6 वर्षों में कितनी हो जाएगी। देखिए पीछे 2-3 प्रश्न हमने किए थे उसमें समय को हमने फिक्स कर दिया था, लेकिन अब यहाँ समय फिक्स नहीं, 4 साल, तो अब यहाँ कितने साल, 6 साल में कितना हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको क्या होगा, मजबूरी में कहीं ना कहीं ब्याज को निकालना पड़ेगा, ब्याज रेट कितना था वो निकालना पड़ेगा। लेकिन हम थोड़ा सा क्या कर हल्का सा दिमाग लगाएं तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा क्या होता है, मूलधन होता है, इसलिए हर साल आपका क्या होगा, बराबर होता है। अब ये बताइए 25,000 रुपए था, है ना, तो अब ये कितना हो जा रहा है, 29,000 हो जा रहा है। कितने सालों में हो रहा है, 4 सालों में। कितना ब्याज मिल रहा है, 4,000 रुपया ब्याज मिल रहा है, बात समझ ना। तो बताओ इसको यहां जाने में यदि हम पुराने पर पुराने रेट पर ही रखे रहे, हम किस रेट पर रखें, पुराने रेट पर रखें, तो 6 वर्ष में ये कितना हो जाएगा। तो देखिए 4 साल में 4,000, तो 2 साल और बढ़ा देंगे, 2 वर्ष तो कितना होगा, 2,000 और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके 29,000 प्लस 2,000 ब्याज मिला के कितना होगा, 31,000 होगा। लेकिन ये कब होगा, जब हम लोग रेट में कोई परिवर्तन नहीं किए होते तब होगा। भाई ये देखिए 25,000 से यदि 29,000 हो गया तो 4 साल में 4,000 बढ़ गया, तो 6 साल होना है, तो 2 साल अब आगे बढ़ेगा ना, 4 साल से फिर 2 साल आगे बढ़ेगा, तो 2,000 देना पड़ेगा ना, समझ में आया। तो 4 वर्ष में 4,000, तो 1 वर्ष में 1,000, तो 2 वर्ष में 2,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब 2,000 एक्स्ट्रा देकर 31,000 रुपये कब, जब ब्याज रेट में कोई परिवर्तन नहीं होता तब होगा। लेकिन यहाँ ब्याज रेट में परिवर्तन हो रहा है तो कहीं ना कहीं पैसा हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखिए क्या हो रहा है, अब यहाँ से समझिएगा जरा, अब यहाँ से इसको यहाँ पहुँचना है तो बताइए 6 साल गुजारना पड़ेगा, इतना पैसा अतिरिक्त धन, अतिरिक्त धन, अतिरिक्त धन, तो कितना परसेंट बढ़ेगा, तो हर साल आपका कितना परसेंट है, 2% है, तो 6 साल में कितना होगा, 6 दुनी के 12% एक्स्ट्रा अधिक, अधिक, यानी कि तो कितना हो जाएगा, 25,000 का हम लोग 12% जब निकालते हैं तो 12 यहाँ पर क्या होगा, 12 × 5 = 60, 12 × 2 = 24, 6 कितना होगा, 30, 3,000 और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 3,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जब 3,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तो हम 3,000 इसमें क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। अब हम लोग 34,000 रुपये 6 साल में उसको देंगे, बात समझ में ना, समझिए जरा, क्योंकि हम यहाँ रेट वगैरह नहीं निकाले हैं। 25,000 से 29,000 हुआ तो 4,000 एक्स्ट्रा हुआ, कितने साल में, 4 साल में 4,000 एक्स्ट्रा हुआ। तो इसका मतलब कि 2 साल में हमें ब्याज कितना देना पड़ेगा, 2,000। अब 6 साल में टोटल कितना होगा, 4×2 = 6,000 ब्याज देना। तब 25,000 में 6,000 जोड़ेंगे तब 31 हो जाएगा, या 29 में 2,000 जोड़ देंगे तब 31,000। कब, जब पहले रेट था तब, लेकिन रेट में जब परिवर्तन हुआ तो हर साल 2-2% बढ़ा था, कितने साल में, 6 साल में, तो 6×2 = 12% रेट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब अतिरिक्त धन कितना होगा, 12%, 25,000 का 12% निकालेंगे तो कितना आएगा, 3,000 आएगा। तो आप बताइए 31,000 दे ही रहे थे 6 साल में, 3,000 और बढ़ा के देंगे तो कितना होगा, 34,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34,000 रुपये हो जाएगा, है ना, कमाल का क्वेश्चन भाई, उसका कमाल का तरीका भी चल रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि ऐसा प्रश्न अभी एग्जाम में बना नहीं है, ये मैं अपने से क्वेश्चन को बनाया, क्योंकि भाई जब इतना तक पूछ गया है तो हो सकता है कि एक बार क्या करेगा, आगे बढ़ करके इस टाइप के भी क्वेश्चन को क्या करेगा, पूछ सकेगा, ठीक है, परेशान मत होइए भाई, भगवान साथ देता है, जो नया प्रश्न दिमाग में आता है एग्जाम में मिलना तय है। इसलिए आप क्या करिएगा, इन सब क्वेश्चनों को देखते रहिए, और 100% मैं गारंटी लेता हूं कि कोई भी एग्जाम देने जाएंगे आपको इस टाइप के, जो भी टाइप का मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, सभी टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि उस टाइप का क्वेश्चन मैं पढ़ा ही नहीं हूं, पढ़ेंगे पूरे टाइप का क्वेश्चन, एग्जाम में टकराएगा जरूर, ठीक है। चलते हैं आगे का प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिएगा क्वेश्चन। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 4 वर्षों में 1500 रुपये हो जाती है, अगले 4 वर्षों के लिए मूलधन 5 गुना हो जाता है, तब 8 वर्ष बाद कुल ब्याज क्या होगा। सॉल्यूशन देखते हैं, 8 वर्ष बाद कुल ब्याज क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है सॉल्यूशन में, तो देखिए सॉल्यूशन में हमारा क्या कर रहा है कि यदि मान लेते प्रिंसिपल हमारा कुछ भी रहा होगा, और यहाँ से यदि मैं 4 साल गुजारा हूँ तो 4 वर्ष में मेरा 1500 रुपये ब्याज मिल गया, ये ऐसा ही हुआ, ब्याज
1500 रुपये मिला, तो बताओ 4 वर्ष में ब्याज हमारे पास SI कितना होगा, 15 वर्ष होगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि बताओ वो यही 8 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, 8 वर्ष में, तो बताइए अगला ही 4 साल गुजरेगा केवल ना, बोलिए टोटल हमारे पास 8 साल है, अगला 4 साल फिर गुजरेगा। लेकिन एक बात हमने आपको बताया था कि जो SI है वो डिपेंड किस पर है, प्रिंसिपल पर है। मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि पहले दिन के SI आपका क्या होगा, किस पर डिपेंड है, प्रिंसिपल पर डिपेंड है। SI किस पर डिपेंड है, प्रिंसिपल पर डिपेंड है। यदि प्रिंसिपल हमारा क्या होगा, दुगुना होगा, तो SI भी हमारे दुगुनी, प्रिंसिपल यदि 5 गुनी तो SI भी हमारा क्या होगा, 5 गुनी। तो इसका मतलब आपका क्या होगा, अब हमें यहाँ से यहाँ जाने में इतने सालों में कितना मुझे एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ जाएगा, तब 5 गुना हो गया, तो 1500 था, अब 1500 में 5 गुना कर लेते हैं तो 7500 हो जाएगा ना। तो अभी बताइए टोटल 1500 रुपया अब प्लस एक क्या होगा, 7500 रुपया, तो इस तरीके से कितना हो जाएगी, 9000 रुपये इस्टा टोटल ब्याज हो जाएगा। समझिएगा जरा, 4 साल तक आप 1500 रुपये ब्याज देंगे, अगले 4 साल तक कितना रुपये ब्याज देंगे, यदि मूलधन 5 गुना, तो जो पीछे ब्याज देता था उसका पे 5 गुना कर दूंगा, जब पीछे का ब्याज यदि 5 गुना हो गया तो 1500 + 5 = 7500 हो गया। तो इस तरीके से टोटल आपके पास ब्याज कितने हो जाएंगे, 7500 या 1500 पहले, कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 9000 आपका ब्याज हो जाएगा, टोटल ब्याज कितने हो जाएंगे, 9000 ब्याज हो जाएगा। आए बात समझ में, तो ये आपका क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन इस टाइप का बनाते हैं कि और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है देखते हैं हम लोग, ठीक आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर 6 वर्षों में साधारण ब्याज 2400 रुपये है, यदि ब्याज की दर प्रथम 2 वर्ष बाद 1.5 गुनी हो जाए तो उतने ही समय में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। अब आप समझिए यहाँ पर कि आपके पास कितना साल था, 6 साल है, टोटल कितना ड्यूरेशन आपके पास, 6 वर्ष का है, और यहाँ से गया है 2 वर्ष, कितना गया, 2 वर्ष, टोटल 6 वर्ष, और यहाँ से यहाँ 2 वर्ष, तो अगला कितना बच जाएगा हमारे पास, 4 वर्ष बचेगा, समझे ना। अब बताओ यदि ये 6 साल में कितना ब्याज देता था, 2400 रुपये, तो 1 साल में ब्याज कितना, 6×24 400 रुपये, यदि 1 साल में 400 रुपये ब्याज देगा, समझेगा जरा, 1 साल में 400 रुपये ब्याज देगा, तो 2 साल में कितना ब्याज दिया होगा, 800 रुपये दिया हो गया, और यहाँ कितना ब्याज दिया होगा, 1600 रुपये दिया होगा। लेकिन ये कब दिया था, ये पहले दिया था, वो तब जब दिया था जब आपका क्या होगा, ब्याज हमारा सेम उसी पैटर्न पर था, लेकिन यहाँ पर ब्याज कितना कर रहा है, 1.5 गुना कर रहा है, लेकिन कब, 1.5 वर्ष 2 वर्ष बाद, मतलब साफ साफ है कि यहाँ तक तो उसको 800 रुपये मिलेगा, समझिएगा, यहाँ तो कितना रुपये मिलेगा, 800 रुपये ब्याज मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको उसको कितना ब्याज देना मिलेगा, तो इसका 1.5 गुना बढ़ेगा, क्यों, 1.5 गुना हो जाता है, तो इसका मतलब 1600 का मुझे क्या करना पड़ेगा, 1.5 गुना कर देना पड़ेगा। तो 1600 का यदि 1.5 गुना करते हैं तो 1.5 गुना का मतलब आपका कितना होगा, ये 2400 रुपये हो जाएगा, क्लियर। अब बताओ कितना हुआ टोटल, शुरुआत में कितना, 800 रुपये, अब बाद में कितना, 2400 रुपये, तो 800 + 2400 मिला कितना होगा, 3200 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिलेगा, कब, जब आपका ब्याज रेट 1.5 गुना हो जाएगी तब आपको क्या होगा, 3200 रुपये मिलेगा, समझे, क्योंकि भाई देखिए टोटल 6 साल है, 6 साल में 2 साल और 4 साल में बांट देते हैं, 6 साल में 24, तो 1 साल में 400, तो 2 साल में 800 और 1600, ये पहले मिलता था, लेकिन अब नए में क्या होगा कि इस 2 साल तक ले आपको तो 800 मिलेगा, क्योंकि 2 वर्ष के बाद 1.5 गुना हुआ है, जब रेट 1.5 गुना हुआ तो मैं आपको बताया था कि SI जो किस पर डिपेंड है, रेट पर भी डिपेंड है, रेट यदि 1.5 गुना तो SI भी क्या होगा, 1.5 गुनी, तो 1600 रुपये SI मिलती, तो उसका 1.5 गुना करेंगे, 2400 हो गया, और 2400 और 800 मिला के कितना हो जाएगा, 3200 रुपये, ये आपका क्या होगा, ब्याज निकल के आएगा, बात समझे ना। एक और प्रश्न और लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, एक और प्रश्न कर रहे हैं और लास्ट प्रश्न आपका रहेगा, आगे देखते हैं, मजा आ रहा होगा,
भाई देखिए, यदि सीरियस यदि सीख रहे होंगे तो मज़ा आ रहा होगा, यदि फॉर्मेलिटी अदा कर रहे होंगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। एक और प्रश्न को देख चलिए, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से निश्चित समय के लिए उधार दी और उसे 1250 रुपये ब्याज मिला। यदि 40% अधिक राशि और 7/4 गुना समय के लिए 3/2 गुना दर से उधार दी तब प्राप्त ब्याज कितना हो जाएगा? बहुत सिंपल है भाई, एक तरफ एक जगह ब्याज दिया तो फिर दूसरा ब्याज की बात कर रहा था, अब आप यहां पर कह रहे हैं कि यदि उसमें जो मूलधन है उसमें 40% एक्स्ट्रा होगा। अब बताओ, जब 40% एक्स्ट्रा होगा तो 40% को 40/100 करेंगे तो कितना होगा? 2/5 एक्स्ट्रा हो जाएगा कि नहीं, बताइए। जब 2/5 एक्स्ट्रा हो जाएगा, पहले 1 रुपया मूलधन था, 1 रुपया दर भी था, 1 रुपया समय भी था, मैंने मान लिया, बटे हमारा क्या था 100, है ना। तो यदि बटे 100 इसमें भी रहेगा और बटे 100 क्या होगा अगले वाले में भी रहेगा, तो हमारा 100 तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग पहला मूलधन, पहला दर, पहला समय ले लेते हैं। फिर बाद में कह रहा है कि दूसरा मूलधन 2/5 होने का अधिक मतलब 5 है, 2 बढ़ जाएगा, कितना होगा 7/5 हो जाएगा। अब दर कितना हो जाएगा 3/2 गुना हो जाएगा और ब्याज कितना हो जाएगा 4/7 गुना हो जाएगा, ठीक। अब यहां से देखिएगा, यदि 2 से 2 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 2 दुनी 4 हो गया। अब हम लोग देखें कि ब्याजों में क्या अनुपात होगा, तो एक संबंध है 3 दुनी के 6/5, तो 5 संबंधे 6 बन जाएगा कि नहीं, बताइए। तो ब्याजों में अब रेशियो क्या निकल गया, 5 संबंधे 6, पहले ब्याज कितना देता था 5 रुपया, अब कितना ब्याज देगा 6, तो इस 5 पर कितना होगा 1250 है, तो 1 पर कितना होगा, हाँ कितना हो जाएगा 5 दुनी 10 250 हो जाएगा, 25 पंजे 125 होता है, तो 6 पर कितना 25 छक्का 150 हो जाएगा, तो 6 पे कितना होगा, इसमें 250 का गुणा कर लेते, कितना आ जाएगा आपका 150, यानी 1500 हो जाएगा। बात समझे ना, फिर से समझते हैं। इसमें क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा था कि भाई यदि हमारे पास दर 1 रुपया, मूलधन 1 रुपया है, दर भी 1 रुपया, समय भी 1 रुपया है, तो उस समय ब्याज हमें क्या होगा 1 × 1 × 1 मिला। लेकिन अब ब्याज कितना होगा, दर 40% बढ़ा, सॉरी मूलधन 40% बढ़ाया, तो 40% बढ़ाने का होता 2/5 बढ़ा, तो 2/5 बढ़े 5 है, 2 बढ़ जाएगा कितना होगा 7/5 7/5, समय कितना 3/2 समय कितना 4/7 बढ़ हो गया ना। अब यहां से रेशियो 1 संबंध 6/5 सालों करने 5 संबंध 6 आया, तो बताओ 5 रुपया पहले ब्याज मिलता था, अब 6 रुपये मिलेगा, तो 5 पर 1250, तो 6 पे कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। बात समझे ना, तो आपको यह बातें समझ में आ गई। मैं आशा करता हूं कि जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए सभी बातें आपको समझ में आ गई होगा। आज का सेशन भी इतने पर ही खत्म करते हैं, अगले सेशन पर और अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक ले हम लोग क्या करते हैं, आपसे विदा लेते हैं, ठीक है। बस लास्ट में जाते जाते मैं एक ही बात कहूंगा, यदि आपको पसंद आता है वीडियो तो आप क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आपका क्या होगा, आपको जितने भी आपके वीडियो डाले जाते हैं सबका नोटिफिकेशन को मिलता रहे, ठीक है ना। तो आज का सेशन बस इतने पे खत्म करते हैं। बस आप क्या करिए, जब भी वीडियो देखें तो पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिए, ठीक है ना। ओके, आज का सेशन खत्म होता है। ओके, धन्यवाद, ठीक है।